सोमवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, वह आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले मैं पॉलिसीज की बात करूंगा, क्योंकि भारत की पॉलिसी पहले से ही आतंक के विरोध जीरो टॉलरेंस की रही है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म। इसी नीति को लेकर भारत पिछले कई वर्षों से चल रहा है, 2014 से, और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निर्णायक नीतियां हम लाए हैं, चाहे वो यूपीए कानून को और मजबूत करने की बात हो या फिर एनआईए एक्ट अमेंडमेंट बिल लाकर उसको ट्रूली फेडरल एजेंसी बनाया गया, जिस तरह से यूएस की एफबीआई की तरह। और अगर मैं ये कहूँ, एक के बाद दूसरा कानून लाकर भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया को, नीतियों को बनाने में भारत सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। और 2014 के बाद लगातार आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में हमारी सेना ने, हमारे बलों ने लगातार काम किया है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूं, तो 168% की कमी आतंकवाद की घटनाओं में जम्मू कश्मीर में आई है, और 94% कन्विक्शन रेट जो है वो टेरर फाइनेंस केसेस में है, यानी कि जो आतंकवाद को पैसा मुहैया कराते हैं, फाइनेंस करते हैं, उनकी कन्विक्शन का रेट भी 94% है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 168% की कमी आई है। अगर मैं पूर्वोत्तर भारत की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, तो ये कह सकता हूं शांति का युग नॉर्थ ईस्ट में आया है, और इसमें 2014 के बाद इंसर्जेंसी वायलेंस में 80% की गिरावट आई है। 2014 के बाद सिविलियन डेथ्स में भी 89% की कमी आई है, और 6000 मिलिटेंट्स ने 2014 के बाद सरेंडर नॉर्थ ईस्ट में किया है। 2015 के बाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ने जो इंसिडेंट्स होते थे, जो घटनाएं होती थी LWE की, उसमें भी 265% की कमी आई है। ये तो मैं नॉर्थ ईस्ट की केवल बात कर रहा हूँ कि कितना बड़ा बदलाव, कितनी कमी वहाँ की घटनाओं में आई है, वायलेंस में आई है। और जो वहाँ पर पीस ट्रीटी साइन की गई, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, जो मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है। तो भारत ने हिंदुस्तान के लोगों की जान तो बचाई, भारतीय नागरिकों को युद्ध की भूमि से आपदा के समय भी और आतंक के उस घटनाओं के बीच में से भी वापस लाने का काम किया। तो भारत ने दुनिया भर में जो एक पहचान बनाई कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, कड़ी नीतियां बनाई, और आपदा के समय, युद्ध के समय, आतंकवाद के समय भी भारतीयों को दुनिया के अलग अलग देशों से वापस लाने का काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दूसरे देशों के विदेशी लोगों की जान बचाने का काम भी किया। तो भारत की छवि दुनिया भर में एक मदद करने वाले देश के रूप में बनी है, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के रूप में बनी है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।